גם היום אנו נמצאים בעיצומה של מלחמה. והמוסד, היום, כמו לפני 50 שנה, מחויב לבוא חשבון עם הרוצחים שפשטו על עוטף עזה ב-7 באוקטובר, עם המתכננים ועם שולחיהם. זה ייקח זמן, כפי שלקח אחרי הטבח במינכן, אבל ידינו תשיג אותם בכל מקום בו יהיו. תדע כל אם ערבייה, שאם בנה השתתף במישרין או בעקיפין, בטבח של השבעה באוקטובר, דמו בראשו. सात अक्टूबर के हमलावर नहीं बचेंगे, मोसाद चीफ का ऐलान, किसी भी चैलेंज के लिए तैयार। दिन बीतने के साथ ही इजराइल और हमास के बीच जंग और तेज होती जा रही है। इजराइल भले ही गाजा पट्टी को राख में बदल रहा है, लेकिन हमास के हैवान अभी भी वहां की सुरंगों में दुबके हुए हैं, छिपकर इजरायली सेना पर वार भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर लेबनान सीमा से हिजबुल्ला भी हमास के समर्थन में इजराइल पर हमला कर रहा है, धमकियां दे रहा है। और अब इजराइल की ओर से किए गए पलटवार के चलते लेबनान में हमास के डिप्टी लीडर सालेह अल अरूरी की मौत के बाद हालात गंभीर होते दिखाई दे रहे हैं। इजरायली सेना को सबक सिखाने की धमकियां मिल रही हैं, जिस पर इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ का बड़ा बयान सामने आया है। अपने देश को हमास और हिजबुल्ला की ओर से मिल रही धमकियों के बाद मोसाद चीफ डेविड बार्निया ने कहा है कि मैं दुश्मनों को बता देना चाहता हूं कि हमारी एजेंसियां और इजरायली डिफेंस फोर्सेस किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार है, चाहे हमास हो या हिजबुल्ला, सबका खेल खल्लास कर दिया जाएगा। मोसाद के पूर्व चीफ जेवी जामिर की अंतिम विदाई में शामिल होने के बाद डेविड ने कहा कि जिन लोगों ने 7 अक्टूबर को हमारे देश पर हमला किया, उन्हें सिर्फ ये याद रखना चाहिए कि उन्होंने खुद अपनी मौत के वारंट पर दस्तखत किए हैं। मोसाद चीफ के बयान के बाद आईडीएफ की ओर से भी हमास को हलाल करने वाला बयान सामने आया है। लेबनान में हमास के डिप्टी लीडर की मौत के बाद आशंका है कि गाजा में हिंसा बढ़ सकती है और इसका असर पूरे अरब वर्ल्ड पर भी हो सकता है, जिसको लेकर इजरायली पूरी तरह से सतर्क हो गए हैं। चाहे वो खुफिया एजेंसी हो या फिर आईडीएफ, इनका साफ कहना है कि हम किसी भी स्थिति या चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार हैं। इजराइल अब किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेगा। इजराइल कई बार साफ कर चुका है कि जिन लोगों ने 7 अक्टूबर को हमारे देश पर हमला किया था, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए तैयारियां की जा चुकी हैं। वैसे खास बात यह भी है कि इजरायली सेना हमास के डिप्टी लीडर सालेह अल अरूरी के मारे जाने पर सीधा बयान दे रही है। इजरायली फौज ने सिर्फ इतना कहा कि हालात पर पैनी नजर है, यानी इजरायली सेना भी हमास के खिलाफ अपने पूरे पत्ते नहीं खोल रही है। वहीं दूसरी ओर तुर्की से राष्ट्रपति रिसेप तैयप एर्दोगन की सरकार ने देश में स्पेशल ऑपरेशन चलाकर 33 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर इजरायल के लिए जासूसी करने का आरोप है। हालांकि ये नहीं बताया गया कि इनमें से कितने लोग इजरायली नागरिक हैं और कितने तुर्की हैं। होम मिनिस्टर अली येरलिकाया ने कहा है कि इजरायल के लिए जासूसी करने वालों की तलाश में स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च किए गए हैं। इसमें कई टीमें काम कर रही हैं। 33 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 13 फरार हैं, जिसकी तलाश जारी है। हमास के खिलाफ इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ का बड़ा बयान सामने आया है। क्या अभी भी गाजा की सुरंगों में हमास के आतंकी छिपे हुए हैं? इजरायल हमास जंग के क्या आसार दिख रहे हैं? इस तरह की और अपडेट के लिए कृपया अपने एयर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तत्काल सूचना के लिए घंटी आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें।